जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस द्वारा अवैध हथियारों को लेकर चलने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस बीच ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना पुलिस ने एक बदमाश को हथियार लेकर घूमते हुए दबोचा है और उस पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। एडिशनल SP अमृत मीणा ने बताया कि पुरानी छावनी थाना पुलिस द्वारा कब्रिस्तान इलाके में चेकिंग के दौरान एक युवक आते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और जब उसकी तलाशी की गई तो उसके कब्जे से 315 बोर का एक देसी तमंचा और जिंदा राउंड बरामद हुए, जिस पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। ये पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। एक असलीम खान नाम के युवक से एक अवैध हथियार कट्टा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस संबंध में और साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर कहाँ?